और ये आज मैंने बनाई है येलो वाली दाल और बड़ी मज़े की बनी है। और हाशिर गया रोटियां लेने के लिए क्योंकि रोटी बनाने की हिम्मत मैंने बिल्कुल नहीं थी, तो फिर मैंने उसको कहा जाके ले आओ। और बाहर हो रही है बारिश, बस रोटी आई तो उसमें चूरी कूटूंगी और फिर खाना खा के थोड़ी देर सो जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, और ये दो चीज़ें मैंने मंगवाई थी, इसको तो आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और मैंने कहा था इकट्ठे ही खोल लूँगी, अब एक एक व्लॉग में क्या एक एक चीज़ खोलनी है। और इसमें मैंने क्या मंगवाया था और इसमें क्या मंगवाया था मैं आपको खोल के दिखाती हूँ चलें। और ये अनाया मेरी हेल्प कर रही है क्योंकि अनाया ने कहा था मैं करूँगी ओपन। इसको यहाँ से ऐसे करेंगे और इसमें है ये डोप टाइप कुछ, ये डोप है कोई। और इसमें जनाब मैंने ये मंगवाए थे बटर पेपर क्योंकि बच्चों को देना होता है लंच वगैरह, तो मैंने कहा था चलो ये ना इसमें सैंडविच वगैरह रोल्स वगैरह सही तरह से पैक हो जाते हैं। ये ओपन करो आप। और साथ ये मैंने मंगवाई थी रोप, और ये मैंने ना थोड़ा सा काम करना है क्राफ्टिंग का, थोड़े बच्चों के स्टेशनरी वाले स्टेशनरी के लिए मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाना था, तो फिर मैंने ये नज़र आई मुझे दराज पे तो मैंने कहा चलो ये मंगवा लूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी लेकिन मुझे ये पता नहीं है कौन से बाज़ार से मिलती है, तो फिर मुझे दराज पे नज़र आई तो मैंने मंगवा ली। और ये जनाब बटर पेपर मैंने मंगवा लिए थे बच्चों के रोल्स वगैरह बनाने के लिए या सैंडविच वगैरह पैक करने के लिए, तो ये मैंने इसलिए मंगवा ली थी चीज़ें। और अब हम खोलेंगे नेक्स्ट पार्सल और एक मिनट इसको ऐसे ही खोल लेंगे। Okay. और इसमें क्या मंगवाया ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये वैसे तो पैक ठीक हुआ है लेकिन इसमें भी ये चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, तो यहाँ से भी ये है हमारे न्यू लंच बॉक्स। और ये मैंने बच्चों के लिए जो वक्ती तौर पे लंच बॉक्स मंगवाए थे वो ये हैं, ये 3 कंपार्टमेंट्स वाले हैं और ग्रीन मंगवाया था लेकिन ये वाइट सा लग रहा है, और हर एक पिंक मंगवाया था माय फेवरेट कलर, तो ये मंगवा लिए थे मैंने। और उस पर था कि अगर 3 आप आइटम्स करते हैं बाय तो आपको डिलीवरी चार्जेस फ्री हो जाएंगे, और ये वाले मुझे कंटेनर्स भी अच्छे लग रहे थे तो फिर मैंने कहा चलो ये मंगवा लूँ। 100 रुपीज़ तो उधर से कम हो रहे थे क्योंकि शिपिंग फ्री हो रही थी, तो फिर मैंने इसलिए एक ये कंटेनर मंगवा लिए। पेपर कटर से काटूँ यहाँ से ध्यान से, और ये कोई बहुत बड़े भी नहीं हैं और लेकिन ठीक है रेट के हिसाब से ठीक है। वैसे ये भी कभी कभी लंच बॉक्स की तरह पे दिए जा सकते हैं। मैंने बेसिकली मंगवाए थे फ्रिज में रखने के लिए, कोई थोड़ा बहुत सालन वगैरह कोई चीज़ बच जाती है तो उसके, लेकिन ठीक है जो रेट है इनका उस हिसाब से ठीक है। तो ये भी मुझे बड़े रीज़नेबल मिल गए हैं, ये भी मुझे बड़े रीज़नेबल मिल गए हैं। और फिलहाल मैंने कहा चलो ये वाले लंच बॉक्स से गुजारा करते हैं, और जब दोबारा क्योंकि जो दूसरा है वो मेरा लेने का दिल है अच्छा सा थोड़ा अच्छे वाला, तो अभी थोड़ा सा बजट भी डिस्टर्ब है क्योंकि बीच में ईद गुजरी है और साथ फिर बीच में बच्चों की नई क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और उसके साथ ही फिर काफ़ी सारा ना खर्चा चर्चा हो गया, और अभी फिर घर की भी शिफ्टिंग का सीन बन रहा है तो वो भी हो गया, तो फिर वो भी बड़ा खर्चा हो जाएगा, तो फिर इसलिए मैं थोड़ी से मैंने कहा फ़िलहाल इससे गुजारा करते हैं, और फिर जब थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा बजट शटर तो फिर अच्छा सा लंच बॉक्स ले लेंगे। तो ये जो है ये भी मुझे रिजनेबल मिला है, जिस हिसाब से मिला उस हिसाब से ठीक है इसकी क्वालिटी वगैरह भी। और इसमें एक और था 2 कंपार्टमेंट्स वाला था और ये 3 वाला था, तो मैंने कहा ये ठीक है इसमें पूरा सैंडविच भी आ सकता है आराम से, और कुछ राइस वगैरह देनी हो या कुछ इस टाइप की चीज़ भी देनी हो तो वो भी ठीक है। और दूसरा इसके ना जो लिड है ना वो सही तरह से बंद हो रही है, तो इन ना जो 3 कंपार्टमेंट्स हैं ना इनकी चीज़ें आपस में मिक्स्ड भी नहीं होंगी, मतलब अगर कोई सॉस वगैरह भी नहीं, वैसे मैं सॉस इस तरह खुली देती नहीं हूँ लेकिन ठीक है
और ये बस मैंने ग्रीन मंगवाया था क्योंकि आशिर का बैग ग्रीन था, तो मैंने कहा और उसका फेवरेट कलर भी ग्रीन ही है, लेकिन ये कुछ कलर मुझे समझ नहीं आ रही, और अनाया का पिंक था तो पिंक ही आया है। तो बस ठीक है, जो रेट है उस हिसाब से मुझे चीज़ें अच्छी लगी हैं। जो भी बोल रहे थे कुछ यार बोलो। अच्छा अब आप बोल लो क्या बोलोगी, बोलने दो ना। और ये मैंने उनसे येलो कलर ही कहे थे तो उन्होंने येलो भेज दिया। इसमें तीन चार कलर का बता रहे थे लेकिन जो रिव्यूज़ तो उसमें येलो कलर किसी का आया हुआ था तो अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने कहा मुझे भी आप येलो कलर ही भेज दें। और पिंक मेरा फेवरेट कलर भी है, मेरे बैग भी मैंने पिंक लिया था क्योंकि वो मेरा फेवरेट कलर है, और ये मैचिंग हो रहे हैं दोनों, बहुत अच्छी मैचिंग होती है, और मैं मैचिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है चीज़ें, मैंने बहुत ज़्यादा मैचिंग चीज़ें रखी हैं। तो बस जनाब अब ये नेक्स्ट डे है, और आज बच्चों के स्कूल से नोटिस आया था कि इनकी पिक्चर्स भेजे वन बाय वन की आईडी कार्ड के लिए, और फिर मैं इनको लेकर जा रही थी, मैंने कहा मैं पिक्चर्स बनवा कर ले आऊँ क्योंकि जब सुबह बच्चों को छोड़ने जाते हैं ज़ुबैर तब भी ये शॉप्स बंद होती हैं, और जब रात को ज़ुबैर काम से आते हैं तब ये शॉप्स भी बंद होती हैं, और बच्चे भी सो चुके होते हैं, तो मेरे घर से इतना दूर नहीं था तो मैंने कहा चलो हम खुद ही चल के और फटाफट से इनकी बनवा के ले आऊँ। किस लिए आई हूँ ये भी तो बताओ। हम फोटोशूट करवाना है ना, जो वो के और और बस जनाब ये हम सारा काम वगैरह ख़त्म करके आ चुके थे, मैंने ये होल्डर्स भी ले लिए थे और जो रिबन होता है वो भी ले लिया था, तो पैदल गए थे और घूम फिर के एक तरफ से गए थे दूसरी तरफ वापस आए थे, तो काफ़ी थक चुके थे, और मेरा दिल था कि वापसी में बच्चों को पार्क भी ले जाऊँ क्योंकि रास्ते में दो पार्क आते हैं, लेकिन वापसी पर अंधेरा इतना हो गया था और पार्क वगैरह में कोई लाइट्स नहीं थी, तो फिर मैंने कहा कि अंधेरे में जाने का क्या फ़ायदा, तो फिर किसी दिन ले आऊँगी। तो बस अभी ये सब कुछ मैंने बच्चों के बैग में रख दिया था, और इसके बाद फिर उनको खाना वगैरह खिलाया क्योंकि तकरीबन हमें वापस आते आते 8:30 हो गए थे, तो खाना वगैरह खिला के फिर मैंने बच्चों को सुला दिया था, क्योंकि मेरे बच्चों का मैं तकरीबन 9 बजे तक सोने के लिए लिटा देती हूँ ताकि फिर सुबह ना फ्रेश फ्रेश उठे और उनकी नींद भी पूरी हो जाए। और ये हाशिर का जा गया है हाथ उसमें दरवाजे में, और सारा ये उसका थंब दर्द कर रहा है। चेक करवाने गई थी तो वो कह रहे थे कि आप इसको आइसिंग करें और साथ ब्रोफिन वगैरह दे दें, तो बस अभी खाना शाना खिलाया बच्चों को, तो अब इसको मैं आइस वगैरह करती हूँ और उसके बाद फिर इनको सुलाऊंगी। और जनाब ये आज मैंने बनाए हैं दही भले, और ये इसका मैंने दही भी बना लिए, और ये बच्चों के लंच की तैयारी कर ली है, थोड़ी सी फ्राइज़ वगैरह मैंने काट के तो पानी में भिगो के फ्रिज में रख दूँगी, और बस सुबह ना इनको ड्रेन करके फ्राई कर लूँगी, और मैं सब किचन का काम वगैरह ख़त्म कर दिया, किचन साफ कर लेंगे, और अब वेट कर रही हूँ ज़ुबैर के आने का और फिर खाना खाएंगे। और बस जनाब ये रात को ग्रॉसरीज भी लेकर आई थी, इस दफ़ा बहुत कम चीज़ें लेकर आई हूँ क्योंकि पहले हम गए थे कमर्शियल और वहाँ पर बच्चों की सारी स्कूल की चीज़ें वगैरह लेनी थी, यूनिफॉर्म कपड़े यूनिफॉर्म और शूज़ वगैरह, तो उधर घूम घूम के इतना थक गए थे कि फिर मैंने ना मेरा दिल ही नहीं करता यहाँ जाने को, तो फिर मैंने इसलिए बहुत ही लिमिटेड सी इस दफ़ा चीज़ें ली हैं। दूसरा शायद इस दफ़ा अल्लाह करे घर मिल जाए तो मैं शिफ्ट भी करना पड़े, तो फिर मैंने इस हिसाब से कम सामान ही लिया है कि फिर ताकि सामान उठा उठा के जाना ना पड़े। तो बच्चों की ये नूडल्स ले ली हैं, आगे स्कूल खुल रहे हैं तो फिर नया लंच में ज़रा शौक से लेकर जाती है, तो इसलिए फिर मैंने ये नूडल्स ले ली हैं। चोको ब्लिस बिल्कुल ख़त्म हुआ था, सिर्फ एक यही वाला मिला था और एक ही जार पड़ा हुआ था, तो फिर हम यही ले आए हैं डबल चॉकलेट। और ये स्पंज वैसे मैं 3 का लाती हूँ, इस दफ़ा 2 का मिला है पैकेट, तो फिर मैंने कहा चलो यही ठीक है। और ये चीनी और इस दफ़ा मैं घी भी नहीं लाई, सिर्फ डालडा का ऑयल लेकर आई हूँ कि मैंने कहा चलो घी के 2-3 पैकेट पड़े हुए हैं तो ये वाला मंथ उसमें आराम से निकल जाएगा। और सिरका सिरका हर दफ़ा मैं लाजमी लाती हूँ क्योंकि खाने से ज़्यादा ये मेरा सफाई में इस्तेमाल हो जाता है,
बल्कि मैं कह रही थी कि बड़ा गैलन मंगवा लूँगी तो अच्छी बात है। तो चिली सॉस में लास्ट, चिली गार्लिक सॉस में लास्ट टाइम भी लाना भूल गई थी, और ये मेरी होती है चिली गार्लिक, और कैचअप होता है नया का। बाकी हमारे घर के जो दो आदमी हैं, जो दो मेल्स हैं, वो कैचअप और इस तरह की सॉस वगैरह कुछ भी पसंद नहीं करते, तो ये मेरी और अनाया की ही आती हैं। और हलीम मसाला मैं फिर से यही वाला पैकेट पूरा लिख रहा हूँ जिसमें दालें भी होती हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने दालें वगैरह मंगवा के अपनी रखी थी। दालें तो खैर घर पे ही होती हैं, गंदम भी मंगवा के रखी थी, लेकिन यहाँ पर आजकल इतना मौसम ख़राब है, मतलब मेरे घर में, कि ना हर चीज़ को फंगस लग रहा है और कीड़ा लग ही जा रहा है, हर चीज़ में कीड़ा ही जा रहा है, तो इसलिए मैं फिर बिल्कुल दालें वगैरह नहीं मंगवा रही, मसाले भी नहीं मंगवा रही। दालें तो मैं सामने शॉप से जितनी चाहिए होती हैं, किलो आधा किलो पाओ, वो लेकर तो इस्तेमाल कर लेती हूँ। और मसाले वगैरह भी मैं भी फ़िलहाल गुजारा कर रही हूँ कि ये वाला मौसम थोड़ा सा गुजर जाए और फिर लेकर आऊँगी, क्योंकि साथ अभी कंस्ट्रक्शन हुई है तो उधर वॉल्स में से पानी आ रहा था पिछले दिनों, और अब उधर सारा फंगस लग गया, तो वॉशरूम में और हमारे बेडरूम में, तो यहाँ पे अजीब सा कुछ सीन है कि हर चीज़ ना, कोई भी चीज़ पड़ी हुई है उसके साथ फंगस लग जाता है, तो इसलिए फिर मैं दालें बिल्कुल मंगवाने का रिस्क नहीं ले रही। और ये लेमन एसेंस मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी और फाइनली मुझे ये भी मिल गया, तो मैंने ये भी ले लिया। कोरमा मसाला ले लिया था, पुलाव मसाला ले लिया था, और शाही हली मसाला, बस यही मसाले लिए इस दफा। और ये सोप ले लिए, और ये जनाब मेरा लेमन मैक्स, दो टब से कम ही मेरे हाल में एक मंथ में मेरा यूज़ होता है। तो बस ये थोड़ी सी ग्रॉसरीज करके लाई थी, तो ये समेटने लगी हूँ। साथ मैंने अभी बिरन ले रखी हुई है चाय, और चाय बनाऊँगी। और स्टोव आज क्लीन नहीं करी, बस मैंने हल्का सा कपड़ा लगा लिया, लेकिन इसको क्लीन मैं आराम से फिर करूँगी कल। इसके साथ ही आज का व्लॉग भी एंड करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपको पसंद आया ही होगा, तो इसलिए एक लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता, लाइक भी कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।